रात के अंधेरों के बीच एक आलीशान कमरे में सजी धुंधली सी येलो लाइट्स पूरे कमरे को रोशन कर रही हैं। तन्वी एक बड़े से क्लासिक स्टाइल बेड पर बैठे अपने नाइट गाउन के एक सिरे को अपने हाथों में पकड़ी हुई है। यूं तो उसे कभी किसी बात का डर नहीं था, पर अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर उसका मन आज बहुत घबरा रहा था। वो बेचैन होकर कमरे की दूसरी ओर देखती है, जहां से बाथरूम में बहते पानी की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलकर विद्युत बाहर आता है। उसके लंबे कद और डैशिंग पर्सनालिटी के आगे वो आलीशान सा कमरा भी छोटा नजर आने लगता है। विद्युत को देखते ही तन्वी का दिल जोर से धड़कता है और वो घबरा कर बिस्तर से उठ जाती है। आज ही दोनों की शादी हुई है और सामने खड़ा इंसान उसका पति है, जिससे वो पहली बार मिल रही है। विद्युत एक सफेद बाथरोब पहने तन्वी के सामने आता है। उसके बाल अभी भी गीले थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और पतले से होंठ तन्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। इतना खूबसूरत तो वो टीवी में भी नहीं लगता, जितना आज रियल में लग रहा है। मिस्टर विद्युत, ये हमारी पहली मुलाकात है। इट्स माय प्लेजर, मुस्कुराते हुए तन्वी ने विद्युत से कहा। अपने मन में बसी घबराहट को वो अपनी बातों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर विद्युत ने तन्वी की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखें किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। हमारी पहली मुलाकात, विद्युत ने अपनी भारी आवाज में कहा। यह आवाज किसी भी इंसान के मन में डर बिठाने के लिए काफी थी। उसकी बातों में सरकैज़म साफ नजर आ रहा था। इससे पहले कि तन्वी उसकी बातों का मतलब समझ पाती, विद्युत अचानक से कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। कमरे में हुए अचानक अंधेरे से तन्वी घबरा जाती है और अगले ही पल उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी कमर को कस के जकड़ लिया हो। तन्वी को बिस्तर पर गिराकर विद्युत धीरे धीरे उसके पास आता है। विद्युत की स्ट्रॉन्ग मैनली सेंट तन्वी को उसके करीब आने का एहसास कराती है। विद्युत तन्वी के पास आकर उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करता है। बिना उससे पूछे विद्युत अपनी हरकतों पर उतर आता है। यहां तक कि वो तन्वी को हाथ लगाने से पहले उसकी रजामंदी भी नहीं पूछता। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपना पूरा जोर तन्वी पर आजमा रहा हो। शादी की पहली रात है, विद्युत का ऐसा रवैया देखकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की सजा दी जा रही हो। तन्वी चुपचाप उस तमाशे को सहती रही है। कुछ देर बाद विद्युत के रुकते ही तन्वी बेजान सी होकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। उसके शरीर में अभी उस आदमी की महक आ रही थी, जिसने कुछ देर पहले प्यार के नाम पर उसे कभी ना भूलने वाली एक बुरी याद दी है। विद्युत के उस बर्ताव में ना तो प्यार का एहसास था और ना ही पहली मुलाकात की नजाकत। तन्वी अपनी तेज चलती सांसों को संभाल ही रही होती है कि विद्युत उसके चेहरे को अपनी तरफ करके उसे उसकी आंखों में देखने के लिए फोर्स करता है। उस अंधेरे कमरे में तन्वी को विद्युत की कॉम्प्लेक्स इमोशन नजर नहीं आते, सिवा उसकी आवाज के। विद्युत अपनी भारी आवाज में तन्वी को वार्न करते हुए उससे कहता है, मिस तन्वी, हमारी शादी की बात किसी और को पता चले ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे तलाक के बाद मेरा नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाए। विद्युत की बातें सुन तन्वी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं था और विद्युत उन दोनों के अलग होने की बात कर रहा है। ये सब सुन तन्वी गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसते हुए इस बेइज्जती को अपने मन में ही दबा लेती है। हाँ, ये बात सच है कि ये शादी उसके लिए भी सिर्फ एक सौदा थी। विद्युत को तन्वी से एक बच्चा चाहिए और तन्वी को पैसों की सख्त जरूरत है। इस बात में कुछ भी गलत नहीं है कि विद्युत तन्वी को उनकी शादी को छुपाए रखने के लिए कहे। मिस्टर विद्युत, आप इस बारे में फिक्र मत कीजिए, लंबी सांस लेते हुए तन्वी जवाब देती है। तन्वी और कर भी क्या सकती थी, उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई है। तन्वी की बात सुनकर विद्युत बिस्तर से उठकर बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ ही देर में तैयार होकर तन्वी को कमरे में अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। विद्युत की गाड़ी की आवाज सुनकर तन्वी समझ जाती है कि उसे अपनी शादी की पहली रात में बिल्कुल अकेला छोड़कर वो जा चुका है। तन्वी उदास होकर बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ वक्त बाद वो अपने बगल पड़ी चादर में खुद को समेट कर सो जाती है। आधी रात में तन्वी के बेड के बगल रखा उसका फोन कई बार ब्लिंक कर चुका होता है।
फोन की नोटिफिकेशन में लगातार एक खबर दिखाई जा रही है। बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट खबर, सुपरस्टार विद्युत नुमानी ने गुपचुप तरीके से रचाई शादी। मीडिया की यह खबर पूरे इंटरनेट पर एटम बॉम्ब की तरह फैल चुकी होती थी। सुबह के वक्त तन्वी का अलार्म तेजी से बजता है, उसकी नींद एकदम से टूटती है। अपनी चादर को एक तरफ फेंक कर तन्वी बिस्तर से उठती है। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद है। पिछली रात की वजह से उसकी बॉडी में अभी भी काफी दर्द है। अचानक तन्वी को किसी चीज की ठोकर लगती है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। अपनी आंखों को खोलते हुए उसकी नजर सबसे पहले जमीन पर बिछे कारपेट पर जाती है। कुछ देर कंफ्यूज रहने के बाद अचानक उसे याद आता है कि उसकी शादी तो उसके प्रिंस चार्मिंग से पिछली रात ही हुई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए तन्वी जमीन से उठकर अपने फोन की अलार्म को बंद कर देती है। जाने अनजाने उसकी नजर अपने फोन पर आई नोटिफिकेशन में पड़ती है। पूरे मीडिया की खबरों में बस एक ही नाम सुनाई दे रहा होता है, विद्युत नुमानी की शादी। ये चार शब्द देखकर घबराहट से तन्वी के हाथ कांपने लगते हैं। उसका फोन उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है कि तन्वी खुद को संभालते हुए अपने फोन को कसकर पकड़ लेती है। कल रात ही मिस्टर विद्युत ने मुझे वार्निंग दी थी और अभी मीडिया में उनकी शादी की न्यूज चल रही है। क्या मिस्टर विद्युत को ऐसा ना लगे कि ये सारी बातें मैंने ही मीडिया को बताई है? तन्वी का मन ये सब सोच के घबराने लगता है। वो जानती थी कि विद्युत नुमानी जैसे शख्स से उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। इतने में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। एक केयर टेकर अंदर आकर तन्वी से कहती है, मैडम सर का फोन है। केयर टेकर की बात सुनकर तन्वी की धड़कनें और तेज हो जाती है। उसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बिना देर किए वो फौरन अपने कपड़े पहनकर नीचे की तरफ भागती है। विद्युत के फोन की बात सुनकर वो घबराहट में अपना दर्द भी भूल जाती है। लंबी सांस लेते हुए तन्वी सॉफ्ट सी आवाज में कहती है, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से विद्युत सीरियस होकर अपनी भारी आवाज में कहता है, मैं वाकई तुम्हें भरोसे के काबिल समझता था। हालांकि ये बात उसने बस कहने के लिए ही कही थी, असल में उसे तन्वी पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ था। विद्युत की बातें सुनकर तन्वी फोन को और कसके पकड़ लेती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दिल को किसी नुकीली चीज से बार बार चुभो रहा है। विद्युत के लिए तन्वी बस एक जरिया है जो आने वाले वक्त में उसे उसका बच्चा देने वाली है। ऐसे में किसी भी बात के बिगड़ने का ब्लेम सबसे पहले तन्वी पर ही आएगा। तन्वी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मिस्टर विद्युत, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो अपने दिए हुए सारे पैसे आप अभी वापस ले सकते हैं। भला मैं खुद ही अपना नुकसान क्यों करूंगी? आप किसी से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अगर कोई भी बात मेरी तरफ इशारा करेगी तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। तन्वी ने एक ही सांस में अपनी सारी बात कह डाली। वो नहीं चाहती थी कि विद्युत उसे गलत समझे। हालांकि उसे अभी यकीन नहीं था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। वहीं फोन की दूसरी तरफ से विद्युत की कोई आवाज नहीं आती। तन्वी की बेचैनी हर वक्त एक बीते सेकंड के साथ और बढ़ती चली जाती है। उसे वाकई नहीं पता था कि विद्युत उसकी बात पर भरोसा करेगा भी कि नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने आखिरकार कहा, मैं पता लगवाता हूं, पर अगर मीडिया में किसी को भी ये भनक लगी कि तुम ही मिसेस नुमानी। विद्युत की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तन्वी जल्दबाजी में बोल पड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फ्यूचर के लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। विद्युत ने खुद जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं। तन्वी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विद्युत ने फोन कट कर दिया। तन्वी कुछ देर शांत से अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरती खड़ी रही। ये कैसा इंसान है, इसे तो लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं। तन्वी ने मन ही मन सोचा और गुस्से में फोन रख दिया। इतने में घर की केयर टेकर तन्वी के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। बगैर कुछ सोचे तन्वी दूध का ग्लास खत्म कर देती है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ती है। तन्वी जानती थी कि सुपरस्टार विद्युत नुमानी की शादी की बड़ी खबर सुनकर पूरे मीडिया की भीड़ उसके घर के बाहर ही मौजूद होगी। वो विद्युत को शिकायत का अब एक मौका भी नहीं दे सकती थी। ऐसे में उसने पीछे के दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया ताकि वो रिपोर्टर्स की नजरों से बच सके। जैसे ही तन्वी पीछे के दरवाजे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से कई सारे रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उसे मिसेस नुमानी कहकर बुलाने लगे। तन्वी समझ चुकी थी कि ये उसके सीक्रेट का द एंड है। यहाँ बस इतना ही।
आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।